पीजी खोलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है कि स्पेस स्पेस कितना लगेगा और उसके लिए फर्नीचर कहाँ से आएगा, बेड बॉक्स वाला ले या विदाउट बॉक्स वाला बेड ले। तो पहले तो आप पीजी खोलना चाह रहे हैं तो आपके पास 2 BHK फ्लैट होना चाहिए या 3 BHK, या फिर आपका खुद का बड़ा मकान हो कोई कहीं पर, अगर आप हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये होता है कि शहरों में तो ज़्यादा बड़ा मकान किसी पे नहीं है, ज़्यादातर लोग पीजी अपना फ्लैट्स के अंदर ही खोलते हैं 2 BHK या 3 BHK में। तो हम 2 BHK को पकड़ लेते हैं कि 2 BHK में यदि अगर आप करना चाह रहे हैं तो मिनिमम जो आप उसका जो रेंट होता है पीजी का या 2 BHK का, अगर आप कहीं रेंट पे ले रहे हो तो लगभग 7-8 हज़ार से लेकर 15 हज़ार के रेंज तक आपको 2 BHK मिल सकता है, वो भी आपके लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन बहुत ज़्यादा आप पॉश में ले रहे हैं तो ज़्यादा पॉश एरिया में ले रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा लगेगा, और अगर आप किसी लोकल के एरिया में हैं तो शायद आपको 10 हज़ार के नीचे भी आपको मिल जाएगा। पहला तो ये है, अब आपने पीजी ले लिया, आपने रूम वगैरह ले लिया, अब उसके लिए आपको फर्नीचर चाहिए होगा, तो फर्नीचर कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे बेड की। तो हम जो बात करेंगे बेड की, तो बेड बॉक्स वाला ले या विदाउट बॉक्स वाला ले? देखिए अधिकतर तो ज़्यादातर पीजी में विदाउट बॉक्स ही चलता है क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है और हल्का रहता है, उसको मूव आसानी से कर सकते हैं। तो बेड का जो साइज, अगर आप विदाउट बॉक्स ले रहे हैं तो बेड का जो साइज रखिए वो रखिए 6x3 का, 6x3 का, तो अगर आप पे स्पेस है ठीक, तो नहीं तो आप 6x2.5 का आप बनवा सकते हैं। पर 6x2.5 का जो है ना बेड, वो आपको मिलेगा नहीं रेडीमेड में कहीं भी, आपको उसके लिए ऑर्डर करना पड़ेगा। पर 6x3 का आप रेडीमेड भी आपको मिल सकता है। अगर आप विदाउट बॉक्स 6x3 अगर आप बेड ले रहे हो तो मिनिमम वो 4 हज़ार से 4,500 के बीच में आपको कोई भी बनाकर दे देगा, किसी भी कारपेंटर या किसी भी फर्नीचर शॉप पे जाते हैं तो। आप अगर आप वही चीज़ बॉक्स में लेना चाह रहे हैं 6x3 का बेड, तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है अगर आप बॉक्स में किसी को दे रहे हो तो। उसमें क्या होता है कि वो अपना कपड़ा वगैरह बुक्स वगैरह भी उसमें रख सकता है। तो वो जो मार्केट प्राइस है अगर बॉक्स वाले बेड लेंगे तो लगभग आपका 4,500 से 6,000 के बीच में आपको वो बॉक्स वाला बेड आपको आसानी से कहीं भी किसी भी फर्नीचर शॉप पे मिल जाएगा, या आप ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर पे भी आपको मिल सकता है। और दोस्तों ये रहा कि आप बॉक्स वाला या विदाउट बॉक्स, तो आपकी चॉइस है और आपकी बजट है कि आप अपने बजट में कौन सा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेड ले लिया आपने, मैट्रेस कौन सा ले हम? तो देखिए पीजी है तो कोई ज़्यादा स्लीपवेल या ब्रांडेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रांडेड फॉर्म अगर आप लेते हैं मैट्रेस तो लगभग, अगर आप स्लीपवेल का ले रहे कोर फॉर्म इसका, तो लगभग वो 6-7 हज़ार का एक ही मैट्रेस आएगा 6x3 का, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा आपको। तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी लोकल ब्रांड को देखिए, लोकल ब्रांड अगर आप लेते हैं तो वो क्या है कि 6x3 का जो मैट्रेस है वो लगभग आपको 2200-2300 रुपये में आपको एक मिल जाएगा, जिसमें क्या होता है कि वो आपका हिटलॉन और फॉर्म दोनों होगा, यानी वो ठंडा और गर्म दोनों ही गद्दा होता है उसके अंदर। तो अगर आप जैसे सर्दियों में आप गर्म की तरफ से हिटलॉन की तरफ से बिछा सकते हैं, और गर्मियों में आप फॉर्म की तरफ से, तो ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा। और मिनिमम आप कम से कम 4 इंची के थिकनेस में आप रखिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये रहा पहला तो हमने बताया बेड के बारे में, दूसरा मैंने फॉर्म के बारे में बता दिया, प्राइस भी बता दिया आपको मैंने, और अब मैं आपको बताऊंगा कि आलमारी कौन सी चाहिए होगी और कितने की मिलेगी। तो आलमारी जो है दोस्तों, अगर आप पीजी के कर रहे हैं काम तो आलमारी आप रखिए, अगर आप बड़ा रख रहे हैं तो 6x3 का भी आप ले सकते हैं, बट आप थोड़ा छोटा रखिए मिनिमम, यानी 5x2.5 का भी आप रख सकते हैं, यानी 5x2.5 का आप रख सकते हैं पीजी में अलमारी। उसमें अगर कोशिश करिए कि डबल डोर की अलमारी मिल जाए, यानी कि एक हैंडल इधर एक हैंडल इधर हो, तो आप एक साथ पीजी में रहने वाले 2 बच्चों को आप एक ही अलमारी शेयर करवा सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो अच्छा है, और मिलता भी है मार्केट में, नहीं मिले तो आप फर्नीचर वालों को ऑर्डर आप करके ये मंगवा सकते हैं उनसे, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो फिर आपको 5x2.5 की 2 अलमारी रखनी पड़ेगी, जो कि अलमारी का जो प्राइस है मार्केट प्राइस इस वक्त प्रेजेंट में करीब करीब 5x2.5 की जो अलमारी, वो करीब अगर आप लकड़ी की ले रहे हैं तो 4,500 से 5,000 के बीच में आ जाएगी, और अगर आप लोहे के ले रहे हैं तो लगभग 6-6.5 हज़ार के आसपास में आपको अलमारी भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको खरीद सकते हैं। तो अलमारी ज़्यादा सही रहेगा कि 5x2.5 ही चलता है ज़्यादातर पीजी में, अगर आप बड़ा ले सकते हैं तो वो आपके बजट के हिसाब से है। तो बेड हो गया, मैट्रेस हो गया, अलमारी हो गई, आपको क्वालिटी बता दी मैंने। कोशिश करिए कि आप लोहे की अलमारी ले, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है लकड़ी के हिसाब से, ठीक है?
अब आप बात करते हैं हम कि बच्चे अगर आप रह रहे हैं पीजी में तो क्या है कि उनको स्टडी टेबल प्लस उनको रिवॉल्विंग चेयर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे कि स्टडी टेबल जो आप ले रहे हैं तो वो लीजिए 3x2 का हाइट रखिए उसकी, 2.5 फुट करिए उसका, तो 3x2 का भी आप उनसे दे सकते हैं उनको। और रिवॉल्विंग चेयर जो है वो आप लीजिए करीब करीब 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास में, या 2 हज़ार के अंदर अंदर आपको रिवॉल्विंग चेयर भी मिल जाएगा बहुत आसानी से। और जो स्टडी टेबल बताया हूँ वो भी आपको 2 हज़ार रुपये के आसपास का आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये था पूरी जानकारी पीजी की कि अगर आप पीजी का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कौन सा चीज़ लगेगा आपके पीजी में और कौन चीज़ कितने की मार्केट में आ रही है, मैंने सारा अच्छे से डिटेल आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको हुआ है बेनिफिट या होने वाला है तो आप ज़रूर कमेंट्स में आके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। 1% भी अगर फ़ायदा हुआ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी तरीके की बेहतरीन फर्नीचर के इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए नीचे कमेंट्स में आके बताइएगा आप कि आपको किस चीज़ के बारे में मैं बताऊँ, मैं कौन सा चीज़ कितने का है, तो मैं वो लेके आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।